तो नोटबुक कवर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया एक पुरानी नोटबुक जिस पर मैं ग्लू लगा रही हूँ और एक वाइट शीट को इस पर पेस्ट करूँगी नोटबुक पर। तो देखिए मैंने नोटबुक पर शीट को पेस्ट कर दिया है और जो अब शीट के एक्स्ट्रा किनारे बचे हैं उसे मैं कट कर नोटबुक के अंदर पेस्ट करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने नोटबुक के अंदर किनारों को पेस्ट कर दिया है। अब मैं सेकंड किनारों को पेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों किनारों को नोटबुक के अंदर पेस्ट कर दिया और मेरी नोटबुक अच्छे से कवर हो चुकी है। मैं यहाँ ले रही हूँ स्केल और पेंसिल। तो मैं स्केल से स्ट्रेट लाइंस को लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है इस पर। तो मैं पूरी नोटबुक पर ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर और ब्लैक एक्रेलिक कलर को लाइन वाइज मैं इसमें फिल करूँगी। जैसे कि फर्स्ट मैं ब्लैक फिल करूँगी, देन वाइट, ब्लैक, वाइट। तो मैं ब्लैक वाइट प्रिंट बनाऊँगी। तो देखिए मैंने प्रिंट बना दिया और हम मेरी नोटबुक रेडी हो चुकी है। काफ़ी ईजी है और काफ़ी ट्रेंडिंग नोटबुक कवर है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कूल सप्लाइज़ की तरफ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ बुकमार्क। तो बुकमार्क बनाने के लिए मैंने यह लिया है कार्डबोर्ड का रेक्टेंगल पीस जिसे मैं मार्बल प्रिंट की शीट पर पेस्ट कर रही हूँ और एक्स्ट्रा किनारों को मैं कार्डबोर्ड के अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी जैसा कि हमने पहले नोटबुक के साथ किया था। अब एक्स्ट्रा किनारों को कट कर कर ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर पिंक शीट जिसे मैं पिंक शीट पर मैंने मार्क कर लिया था और अब मैं इसे भी स्लेंटिंग कट करूँगी कुछ इस तरह से। तो मैंने कट कर दिया, इसे भी मैं पेस्ट कर दूँगी बुक मार्क पर। तो देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ग्लिटर फॉर्म शीट और इसकी एक पतली सी स्ट्रिप कट करूँगी और बुक मार्क पर लगाऊँगी। तो देखिए मैंने स्ट्रिप कट कर ली और इसी साइज़ की शीट कट कर कर एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दूँगी और इसे पेस्ट कर दूँगी बुक मार्क पर। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ पंचिंग मशीन, सर्कल शेप वाली पंचिंग मशीन ले रही हूँ यहाँ पर मैं। तो देखिए मैं इसके अंदर बुकमार्क को फंसाऊँगी और एक सर्कल कट करूँगी कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ ले रही हूँ सैटन रिबन और होल के अंदर से सैटन रिबन को निकालूँगी और दो नॉट टाई करूँगी कुछ इस तरह से। देखिए मैंने दो नॉट टाई कर दिए हैं इस पर। मैं सेकंड नॉट को टाई कर रही हूँ। देखिए ऐसे मैंने टाई कर दिया और मेरा बुक मार्क बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कितना इजी है ये। और अब मैं सैटर्न रिबन को जहाँ जौन सी भी बुक पे आपने इसे चिपकाना है उस नोटबुक के लास्ट पेज पे आप इसे चिपका दीजिए। और देखिए मेरा ये बुक मार्क बिल्कुल रेडी हो चुका है। अरे काफ़ी ईजी है बनाना और काफ़ी अच्छा लगता है ये ऐसा बुक मार्क। और अगर आपको मेरे दोनों स्कूल सप्लाइज़ अच्छे लगे हों नोटबुक एंड बुकमार्क तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।